कराते रहें ताकि यहाँ पे ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रहे और लोगों को जब आवश्यकता हो तो उसको उपलब्ध करा सकें। बेगूसराय में कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान की शुरुआत मंगलवार को सदर अस्पताल में की गई। उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा 45 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए अभियान चलाया गया है। डीएम ने कहा कि सरकारी सेवानिवृत्त व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए यह आयोजन की गई है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार झा, डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा, अस्पताल प्रबंधक पंकज कुमार सहित जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारी एवं अन्य कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। लोग जानते हैं कि अभी जो कोरोना का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और इसके अतिरिक्त जो 45 से 60 के बीच में कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि लोग आके यहाँ वैक्सीनेशन कराएं। इसी क्रम में आज ये फैसिलिटेशन सेंटर का सदर अस्पताल में उसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, सरकारी पदाधिकारी जो बेगूसराय ज़िले में हैं, उनको प्रेरित करने के लिए इसके माध्यम से कि वो लोग आएँ और यहाँ पे अपना टीकाकरण करवाएं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सब स्ट्रीमलाइन तरीके से सभी प्रक्रिया उनको बताई जा सके, इसी के लिए फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ बनाया गया है ताकि जितने भी सेवानिवृत्त कर्मी हैं वो सभी ऑब्वियसली 60 साल से ज़्यादा के होंगे तो अपना टीकाकरण करा सकें। इसके अतिरिक्त कोविड टीकाकरण के लिए जो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज पेंशनर्स, जितना भी स्कीम में लाभान्वित हो रहे हैं, 1,80,000 लगभग बेगूसराय ज़िले में हैं, उनका भी अभियान चला के सभी PHCs में कम से कम 2-2 सेशन साइट बना के उनका भी टीकाकरण का कार्य कराया जाता है। रक्तदान को लेकर के सर, ब्लड डोनेशन कैंप भी NIMA के द्वारा आयोजित किया गया है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेगूसराय जिला में देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी प्रकार से लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरीके का कार्यक्रम मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि फ्रिक्वेंटली और कराते रहें ताकि यहाँ पे ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध रहे और लोगों को जब आवश्यकता हो उसको उपलब्ध करा सकें।